अगर आप खोज रहे हैं एंटरटेनमेंट ही एंटरटेनमेंट और आप रजनीकांत का स्टाइल देखना चाहते हैं पहले वाला, तो ये मूवी आपके लिए है। इतनी जबरदस्त, मतलब एंटरटेनमेंट से भरपूर है ये मूवी। आप सोच रहे होगे जो ये गूगल्स लगा के क्यों बना रहा हूँ वीडियो, अरे मैं इतना मतलब इन्फ्लुएंस हो गया रजनीकांत सर से, जो जो उनका चश्मा पहनने का स्टाइल था मैंने ही कॉपी कर लिया। मगर चलो यार, मतलब स्टाइल तो नहीं हो पाया लेकिन चश्मा तो लगा ही सकते हैं, तो लगा के बैठ गया मैं। मूवी देखने से पहले एक काम आपको करना होगा। क्या काम है? वही काम है यार, लॉजिक अपने घर पे छोड़ के जाना है। अगर ये चीज आप करके चले जाते हो थिएटर के अंदर, तो यार यकीन मानो वो इतनी जबरदस्त मूवी है, आप इंजॉय ही इंजॉय करोगे। फिर तो खुशहाली खुशहाली आ जाती है लाइफ में। मैं बात कर रहा हूँ दरबार मूवी की, जिसको डायरेक्ट किया है A.R. मुरुगदास ने, जिसके अंदर कास्ट है रजनीकांत, सुनील शेट्टी, प्रतीक बब्बर और अन्य कलाकार। एक और चीज, इस मूवी को बहुत सारे यूट्यूबर जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं दबंग से, जो भी दबंग मूवी है कहते हैं कि इसकी फोटोकॉपी है। ऐसा कुछ नहीं है दबंग के मुकाबले की, दबंग कहाँ और ये जो दरबार है इसमें जमीन आसमान का फर्क है। इसमें कम से कम एक स्टोरी है। जब आप थिएटर में बैठे होंगे अपने आप को सच में जो रजनीकांत सर का जो स्टाइल है वो देख के, उनके एक्शन देख के, डांस देख के अपने आप को सीटी बजाने से रोक नहीं पाओगे। सच में अच्छी और एंटरटेनमेंट मूवी है। आप थिएटर में जाते क्यों? या तो कुछ ना कुछ मूवी का कोई मकसद होता है कि यार आपको कोई ना कोई अच्छी बात सुना बताए, उसके पीछे एक स्टोरी जो लेके आते हैं वो मूवी बनती है, उसके पीछे कोई ना कोई जो बनाने वाला होता है उसके पीछे कोई मकसद होता है। इस मूवी के पीछे सिर्फ और सिर्फ मकसद है एंटरटेनमेंट ही, और वो ये मूवी एंटरटेनमेंट के तौर पे खरी उतरती है। कहानी बहुत सिंपल है, एक पुलिस ऑफिसर है, एक क्रिमिनल है, पुलिस ऑफिसर को क्रिमिनल को पकड़ना है, मारना है, और एटलीस्ट आपको पता ही है कि मूवी में आखिर में एंड में क्या होना है। बावजूद इसके भी, कहानी सिंपल होने के बावजूद भी, ये मूवी आपको कहीं पर भी निराश नहीं करने वाली है। मैंने कहा अगर लॉजिक आप घर पे छोड़ के गए और सिर्फ एंटरटेनमेंट के तौर पे आप इस मूवी को देखने जा रहे हैं, तो ये आपको बिल्कुल भी निराश नहीं करने वाली है। रजनीकांत सर का एकदम खुल के जीने वाला अंदाज आपको देखने को इस मूवी के अंदर मिलेगा। इतना जबरदस्त उनका स्टाइल देख के यार, इससे मतलब यार कमाल है। इस एज में भी ऐसी एक्टिंग, ऐसा स्टाइल देखने को यार, मतलब जो नए नए जो एक्टर आ रहे हैं वो भी ऐसा स्टाइल करने से थोड़े बहुत ये भी करें यार, ऐसा कर सकते हैं क्या? वो एकदम जबरदस्त यार, और वो एक जो उनका स्टाइल है ना, सिर्फ और सिर्फ वही कर सकते हैं। उनके कॉपी करने वाले भी शायद कहीं ना कहीं मार खा जाएं, लेकिन जो उनका स्टाइल है सिर्फ और सिर्फ रजनीकांत सर पे ही सूट करता है। इस मूवी में कॉमेडी है, एक्शन है, इमोशन भी है। इमोशन एक ऐसी स्टेज आती है इमोशन में भी, आपको मे बी किसी को रोना आ सकता है, किसी की आंखों में पानी भी आ सकता है, और कुछ दिल भर आता है, ऐसा इमोशन भी इसके अंदर रखे गए। और ये तो सारी इसकी पॉजिटिव बातें हैं। कुछ लोग सोच रहे हो यार इतनी पॉजिटिव बातें हैं, कुछ नेगेटिव चीज़ें तो होंगी ना मूवी में, ऐसा थोड़ा ना कि इतनी परफेक्ट मूवी हो गई। यार देखो, नेगेटिव पॉइंट सिर्फ एक यही है कि लॉजिक भैया नहीं लगाना, और लॉजिक नहीं लेके गए, और सिर्फ मूवी का वैसे मकसद भी एक ही है कि इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको एंटरटेन करना है। जो आप पूरे हफ्ते एक प्रेशर झेलते हो अपने ऑफिस में अपने काम को लेकर, तो आपको रिलैक्स कैसे फील कराना है, आपके देख के खुश कैसे होना है, तो ये मूवी भाई मेरे हिसाब से तो खरी उतरती है उसके ऊपर। मैं देना चाहूँगा इस मूवी को 7/10 स्टार। अगर आप लोगों ने मूवी देखी है तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू मतलब जो भी व्यू है वो अपने मेरे इस कमेंट बॉक्स में रख सकते हैं, बता सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, और अगर नहीं देखी है तो जाकर देखो, अभी भी लगी हुई है। बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।